हमें परवास टीवी के नासरीन को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सो बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन हो मिसले इरम। रब हो रहा खुद अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा, बेजबानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह हो, तोहफे में फिर वो रमजान देता। مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا هر سال کی طرح اس سال ماہ رمضان مبارک کے خصوص پرواز ٹی وی کی جانب سے تمام تر نغموں اور فلموں کو بند کر دو। माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नशर किए जाएंगे। इस माह सियाम में परवाज़ टीवी पर पेश किया जाएगा फजाइल रमजान, आदाब रमजान, नातों के नजराने, परवाज़ टीवी की खास पेशकश। पसंद आपकी नात हमारी, तफसीरे कुरान, हदीसे मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमुआ अल्लाह के ननियाम पे इसमें। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवाज़ टीवी से और डीवी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई वो रमजान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवाज़ टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियाँ और उनके पाँव वजू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। बुखारी। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुनूर कापो तबके की तरक्की के लिए अलाहदा कॉरपोरेशन का कयाम खुश आइन कदम, बोधन एमएलए सुदर्शन टीम। माह रमजान मुबारक, उखवत हमदर्दी गमख्वारी का महीना, अल्लाह से लेने और बख्शिश का महीना माह सियाम। खवातीन हर मैदान में हौसला और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े, खवातीन की तरक्की ही असल तरक्की, यौमे खवातीन के इजलास से शुरका। एटीएम तोड़कर 25 लाख की चोरी, एटीएम सरके की वारदात से जिले में सनसनी वो खौफ। अब खबरें तफसील से। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में खवातीन वो बच्चों की बहबूद, महकमे के जेरे एहतमाम आलमी यौम खवातीन का एहतमाम। मेयर दिनुति किरण, ZPTC वो MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता वो दिगर ने की शिरकत।
बरोसे जुमेरात को ख्वातीन और बच्चों की बहबूद महकुमा के सेरे एहतमाम राजीव गांधी ऑडिटोरियम में ख्वातीन की आलमी दिन का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में शहर की पहली शहरी मिसेस नीतू किरण, ZP चेयरमैन डी विठल राव, MLA मिस्टर धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, ट्रेनी कलेक्टर मिसेस किरण माई, महकुमा ख्वातीन व अतफाल की बहबूद की जिले ऑफिसर मिसेस SK रसूल भी, DMNHO सुदर्शनम, महकुमा अखिलियती बहबूद के ऑफिसर कृष्णावेनी, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज, MC HRD ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, स्नेहा सोसाइटी देवैया निगोला स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस ज्योति, CWC चेयरमैन संपूर्णा ने खुद शिरकत की और कहा कि तमाम खवातीन का एहतराम करना चाहिए, तमाम शोबों में इज्जत करना और फिर सबका एहतराम करना, हर रोज खवातीन का दिन मनाना चाहिए, खवातीन को खुद को कम नहीं समझना चाहिए। इन दिनों खवातीन तमाम शोबों में आगे हैं। खवातीन से कहा जाता है कि वो मुबाहिसे में हिस्सा ले और अपने फैसले दे। गेम्स जीतने वालों के लिए इनाम भी दिए गए। వ్యాపారం చేసుకోవడానికి మహిళలకు కూడా ముద్రా లోన్స్, అదేవిధంగా జన్ధన్ ఖాతాలు, ఈ విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు లేని విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు స్త్రీలకు పెద్దపీట వేసిన ఘనత బీజేపీకి దక్కుతుంది. మరి ఒకసారి ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా వేదిక మీదున్న మహిళా సోదరిమణులకు, వేదిక ముందున్న మహిళా తోటమలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ అన్నీ మాట్లాడేసి ఏం సబ్జెక్ట్ లేదు, ఇలా ఎట్లా ఉన్నారంటే వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రంగంలో మేధావులే, ఎవరికి తీసుకోరు కాబట్టి మరి ఏదో మాట్లాడక తప్పదు. మరి మరి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది మనము 8th March రోజు చేసుకుంటా ఉంటాం. ఒక రెండు రోజుల ముందు కానీ నాలుగు రోజులు వెనుక కానీ మా కన్వీనియన్స్ బట్టి ఈ మహిళా దినోత్సవం చేసుకుంటూ ఉంటాం. మరి మా సోదరిమణి చాలా చెప్పింది నీతి కిరణ్ గారు, గతంలో మహిళలు ఏ స్థాయిలో ఉంది ఎట్లయింది ఏదైంది, నేను దాని జోలికి వెళ్ళకుండా మరి గతంలో ఒక భారతదేశంలోనే ఒక మహిళ డాక్టర్ వృత్తిలో మహిళ నంబర్1 ఉండే, ఈరోజు మన సూపరింటెండెంట్ జీజే సూపరింటెండెంట్ ప్రతిమరాజు ఉన్నట్టు, అట్లాగే పైలట్ అని ఉండే. మరి గతంలో మీకందరికీ తెలుసు సతీ సహగానం అని, మరి అప్పుడు ఉన్న మూఢనమ్మకాలు భర్త చనిపోతే భర్తతోని భార్యను కూడా దాన సంస్కారాలు చేయాలనే ఉద్దేశం. మరి దాన్ని పాలదోలిండు అప్పుడున్న గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, కాబట్టి ఆయనను ఒక్కసారి మనము స్మరించుకుందాం. ఇటువంటి మూఢనమ్మకాలను మనం పక్కన పెడదామని చెప్తూ تلنگانہ حکومت نے منور کاپو کارپوریشن کے قیام کے لیے اقدامات کیے. بودھن منور کاپو کارپوریشن کی ترقی کے لیے خصوصی کارپوریشن کا قیام خوش آئے. بودھن ملے سدرشن ریڈی کی تصویر کو دودھ سے صاف کیا. बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने बोधन शहर के अंबेडकर चौरास्ते पर मुश्तरिका बोधन मंडल मुनूर कापू संगम के जेरे एहतमाम पोर्ट्रेट को आशीर्वाद दिया. मुनूर कापू कॉरपोरेशन के क्याम के लिए काबिना की मंजूरी के मौके पर तकरीबात का इनेकाद क्या किया. इस मौके पर खूब आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गई. इस मौके पर बोधन साबिक MPP DCC गंगा शंकर ने कहा कि मुनूर कापू की तरक्की के लिए खसूसी कॉरपोरेशन का क्याम खुश आइंद है. इस प्रोग्राम में बोधन मंडल मुनूर कापू एसोसिएशन सदर, जनरल सेक्रेटरी, टाउन सदर व दिगर मौजूद थे. सुदर्शन रेड्डी गार की मरियो तेलंगाना राष्ट्र कैबिनेट को मरियो MLA-लंदरी कुडा ई संदर्भंगा मा मुनूर कापू सोदरुलंदरी तरफुन प्रत्येकंगा धन्यवादालु तेलियजेस्ता उन्नामु. ఎక్కువ సంఖ్యలో తెలంగాణలో మున్నూరు కాపులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా అట్టడుగు స్థానంలో ఉంటా ఉన్నారు ఈ రోజులలో. మరి వారి అభివృద్ధి సాధించాలనే ఉద్దేశంతో మున్నూరు కాపులందరూ ఐక్యంగా ఉండి మున్నూరు కాపు కార్పొరేషన్ సాధించాలని చాలా సంవత్సరాలుగా పోట్లాడ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. దీనికి మా మున్నూరు కాపు కులస్తుల పెద్దలందరూ ఎంతో కూడా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం ఇచ్చినందుకు ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ముందు కూడా
కార్పొరేషన్ తో పాటు కార్పొరేషన్ కు సరిపడంత నిధులు కేటాయించి మున్నూల కాపుల అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాటుపడాలని సందర్భంగా మరొకసారి కోరుతా ఉన్నాము మరి మున్నూల కాపుల కోసం कांग्रेस हुकूमत इख्तदार में आने के बाद अवाम से किए वादों को पूरा करें और शिफाफ हुक्मरानी को जारी रखेंगे। गरीब मुस्तहकीन में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम से बोधन म्युनिसिपल चेयरपर्सन तोम पद्मा का इजहार। बोधन शहर के म्युनिसिपल ऑफिस में बरोज जुमेरात कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक से तकसीम का प्रोग्राम मुनाकद किया गया। म्युनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा ने प्रोग्राम में मेहमान खसूसी शिरकत की और उन्होंने 37 मुस्तहकीन में चेक्स हवाले किए। इस मौके पर तुम पद्मा ने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम मुस्तहकीन को चेक्स तकसीम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीब और मुतवसत तबके की फलाह व बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और इंतखाबात में दिए गए 6 जमानतों पर अमलावरी करते हुए अवाम से अपने वादे की पासदारी कर रहे। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल काउंसलर्स और कांग्रेस पार्टी कायदीन व दीगर मौजूद थे। माह रमजान मुबारक, बख्शिश, गम ख्वारी, हमदर्दी, मोहब्बत और उख्वत का महीना। अल्लाह का अपने बंदों पर खास इनाम व इकराम है। माह रमजान मुबारक। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बो अल्लाह ताला के नज़द मश्क की बो से ज़्यादा पसंदीदा है। गोया रोज़ेदार अल्लाह ताला का महबूब हो जाता है कि उसकी खुलूफ मुंह की बो भी अल्लाह ताला को पसंद और खुशगवार होती है। अनहज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ानुल मुबारक की खातिर आरास्ता किया जाता है और खुशबुओं की धोनी दी जाती है। बस जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हलके बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेज सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बाला खानों में खड़ी होकर आवाज देती है कि है कोई अल्लाह ताला की बारगाह में मांगने वाला, ताकि हक ताला शानों उसको हमसे जोड़ दे। फिर वही हूरे जन्नत के दरोगा से पूछती है कि ये कैसी रात है कि वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं, ऐ खूबसूरत और खूबसीरत औरतों, ये रमजान मुबारक की रात है। और हक ताला शानों जन्नत के दरोगा से फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों के लिए खोल दो, और जहन्नुम के दरोगा मालिक से फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों पर जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दो। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को हुक्म होता है कि जमीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तौक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों को खराब ना करे। निजामाबाद लोकसभा से कविता को टिकट नहीं, बाजीरेड्डी गोवर्धन बीआरएस उम्मीदवार। बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में निजामाबाद पार्लिमानी हलके से अपनी दुख्तर कविता को टिकट नहीं दिया। इनकी जगह साबिक रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन को उम्मीदवार बनाया गया। बाजीरेड्डी गोवर्धन निजामाबाद रूरल असम्बली हलके से 3 मरतबा मुंतखब हुए थे। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में इन्हें शिकस्त हुई थी। बीआरएस ने मजीद 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें वरंगल से डॉक्टर के काविया, चौड़ला से कासानी गिनेश्वर मुदीराज, जहीराबाद पार्लिमानी सीट के लिए गाली अनिल कुमार और निजामाबाद पार्लिमानी सीट के लिए बाजीरेड्डी गोवर्धन शामिल है। बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदों और मुकामी कायदीन के साथ तबादले ख्याल किया और इनकी राय के मुताबिक केसीआर ने उम्मीदवारों का इंतखाब किया। बीआरएस ने अब तक 9 पार्लिमानी नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें खम्मम एन नागेश्वर राव, महबूबाबाद एम कविता, करीब नगर बी विनोद कुमार, पेद्दापल्ली एससी, कोपला ऐश्वर, महबूब नगर एम श्रीनिवास रेड्डी, चोड़ला कासानी गिनेश्वर, वरंगल एससी डॉक्टर के काविया, जहीराबाद गाली अनिल कुमार, निजामाबाद बाजीरेड्डी गोवर्धन है। यहाँ लेते एक वक्फा।
उम्रा और हज के आजमीन के लिए पुरकशिश उम्रा पैकेज सिर्फ और सिर्फ अल्फा टूर एंड ट्रेवल्स पर दस्तियाब। अल्फा टूर एंड ट्रेवल्स एक भरोसेमंद नाम, बोधन रोड नस्त, यूनिक कार्स, ऑटो नगर, निजामाबाद। अल्फा टूर एंड ट्रेवल्स की खिदमात के लिए भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। माह रमजान मुबारक के खुसूसी पैकेज और हज 2024 के बुकिंग का आगाज 8 मार्च तक 10 अप्रैल एक माह फ्लाइट वाया मस्कत 1,55,000, 10 मार्च तक 12 अप्रैल एक और ग्रुप, 11 मार्च तक 10 अप्रैल 1,70,000, 13 मार्च तक 14 अप्रैल 32 यौम 1,70,000। इसके अलावा मजीद पैकेज बुकिंग का आगाज हो चुका है। हज ग्रुप 2024 के लिए बुकिंग का आगाज 35 यौम ताम व कयाम, तमाम सहूलतें 6,75,000। उम्रा वीजा विद इंश्योरेंस, ए टिकट, अकोमोडेशन विद शेयरिंग बेसिस, हैदराबादी फूड, जमजम 5 लीटर, राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन इन एसी बसेस, जियारत इन बोथ मक्का एंड मदीना। आजमीने उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की शानदार होटलों में कयाम, जायफेदार मकवी ताम, लॉन्ड्री की सहूलत, जियारत के लिए सवारियों की सहूलत, जईफ आजमीन के लिए व्हीलचेयर, पुरसुकून माहौल में आसानी के लिए जियारत की सहूलत। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें प्रोपराइटर सैयद हाजी 9866543496 और 8520888394। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। आर्मोर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलानिया जारी। 21 मार्च को चेयरपर्सन के लिए होगा इंतखाब। आर्मोर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलानिया जारी किया गया। जारिया महीने की 21 तारीख को चेयरपर्सन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। वाज़ह रहे कि म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किया गया था। बीआरएस पार्टी के 15 अरकान बल्दिया ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके बाद जिला कलेक्टर के अहकाम पर वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू को इंचार्ज चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई थी। इंचार्ज चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई। जारिया माह की 21 मार्च को अरकाने बल्दिया वोट देते हुए चेयरपर्सन का इंतखाब करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्मोर एटीएम मशीन तोड़कर 25 लाख का सरखा, निजामाबाद जिले में वारदात से सनसनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को तोड़कर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। ये वारदात रियासत तेलंगाना जिला निजामाबाद के रुद्रूर मंडल में पेश आई। जराए के मुताबिक बस स्टैंड के करीब वाकई एसबीआई के एटीएम सेंटर में चारशंबे की रात देर गए चार लुटेरे दाखिल हुए। वो अपने चेहरों पर मास्क लगाए हुए थे। इन्होंने सीसीटीवी कैमरों से महफूज रहने के लिए पहले इन कैमरों पर स्प्रे कर दिया और इसके बाद एटीएम मशीन को तोड़कर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। रकम लूटने के बाद टोली फोर व्हीलर में वहां से फरार हो गई। इत्तला मिलते ही रुद्रूर पुलिस मुकाम वारदात पहुंच गई। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। नागराम में किराना शॉप चलाने वाले नौजवान अब्दुल रहमान को अशरार की जानिब से किया गया शदीद जद्दोजहद। कोल्ड ड्रिंक की खरीदो फरोख्त के दौरान बहस और मजहब को निशाना बनाते हुए अशरार ने गाली गलौज की और मारपीट की। ऐसे वाकयात को रोका जाए और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लई खान का मुतालिबा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस ओहदेदारान से मुलाकात की और तमाम मामले की मालूमात हासिल की। आज निजामाबाद टाउन लिमिट में एक वाकया हुआ है। 3:30-4 बजे के टाइम पे अब्दुल रहमान नौजवान लड़का जो किराना शॉप चलाता है, रोज़ेदार लड़का है, रोज़े में था। 5-6 लोग उनके पास कूल ड्रिंक खरीदने की नीयत से आए और उसके बाद दूसरी बहजम बहेजी करके वो 5-7 अफराद लाठियों से लकड़ियों से उस नौजवान के ऊपर हमला किए। नागाराम में ये दूसरा वाकया है। इससे पहले भी एक जगने की रात को एक वाकया हुआ था हिंदू और मुसलमान का और इसको भी वही रंग देने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर सीआई साहब से मिले फिफ्टॉन में और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का सीआई साहब से हमने मुतालबा किया, जिस पर पुलिस ने तयकुन दिया कि उन तमाम के ऊपर संगीन दफात लगाकर
उनको उनके ऊपर कार्रवाई करने का हमको इत्मीनान दिलाया। लेकिन सवाल ये है कि बार बार ये नागरम हलके में ऐसे वाकयात क्यों हो रहे, उसकी रोकथाम जरूरी है। मैं ACP साहब से भी फोन पे बात किया और तमाम तफसीलात से उनको वाकिफ करवाया, जिसके ऊपर उन्होंने भी ये कहा कि वो जितने अफराद हैं उन तमाम के ऊपर लीगल और कानूनी कार्रवाई मजबूत की जाएगी। आप लोग सब्र रखने का उन्होंने हमको तयकुन दिलाया। यहाँ पर अगर इस वाकये के ऊपर कड़ी निगरानी नहीं की गई और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इस किस्म के वाकयात बार बार होते रहेंगे। निजामाबाद का जो फिरका वाराना हम आहंगी है, जो कम्युनलिज्म जो लोग फैलाना चाह रहे हैं, फिरका परस्ती का माहौल देना चाह रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि इस किस्म के शरपसंद लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। वो अब्दुलरहमान लड़का जनाब अजीम साहब अजीम भाई के फर्जंद है। ये लोग अभी मुझे इत्तला मिलते ही मैं दवाखाना पहुंचा, लड़का दवाखाने में जेरे इलाज है, उसके नाक पे भी मार लगा, पीठ पर मार लगा, गुपत मार बहुत है, लाठियों से लकड़ियों से उसको उसके ऊपर हमला किए। महज मुसलमान नौजवान है, ये देखकर उन लोगों ने ये किया, उनका मंशा ही है माहौल ख़राब करने का। उसके बाद यहाँ पर हम पूरे लोग नागाराम के भी लोग हैं, यहाँ पर हमारे साथ मोइन यूनुस साहब कायद कांग्रेस और उनके वालिद मोहतरम लड़के के सब आकर CI साहब को हम दरख्वास्त दिए हैं। हमको इत्मीनान है कि इंशाल्लाह CI साहब उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। CM रेवंत रेड्डी की जानिब से BCS के लिए खुसूसी कॉर्पोरेशन और फंड्स मंजूर किए जाने पर डिशपली साबिका MP के गंगाधर ने CM की तस्वीर को दूध से साफ किया। आइंदा लोकसभा और बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। डिचपली मंडल के सुदुलम गांव में CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी कंचट्टी गंगाधर ने शिरकत की और रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ किया और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कंचट्टी गंगाधर ने कहा कि BRS के गुज़िश्ता 10 साल के दौरे हुकूमत में BC, SC और ST कॉरपोरेशन सिर्फ जीनत बनी हुई थी। साबिक चीफ मिस्टर केसिया ने कहा कि BCS की तरक्की के लिए फंड्स जारी न होने की वजह से BCS को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। उन्होंने BCS जातों के लिए खुसूसी कॉरपोरेशन कायम करके और फंड्स मख्तस करके कमजोर तबकात के साथ खड़े होने पर CM रेवंत रेड्डी की सताइश की और कहा कि इलेक्शन में किए गए 6 जमानतों में से 5 जमानतों पर अमल किया जा रहा और बाकी वादे जल्द पूरे किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि वो कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब करे और कांग्रेस का परचम लहराए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन सदर सुरेंद्र रेड्डी, नायब सदर नरसा गौट, मंडल रायतू सेक्शन सदर साई रेड्डी, अनिल रेड्डी, MPTC वो दीगर मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष अध्यक्ष పార్టీని నడిపి మరి అందులో భాగంగానే ఇక్కడ మనం భూపతి రెడ్డి గారికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చి సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆశీర్వాదం చేయడానికి టికెట్ ఇవ్వడం చేత మన నియోజకవర్గం ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మనమందరం కూడా కష్టపడి పనిచేసి ప్రజలందరి దయంతో భూపతి రెడ్డి గారిని గెలిపించుకున్నాం. మరి భూపతి రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మన నియోజకవర్గం చాలా అభివృద్ధి ఎంతది, ఒక నీతివంతుని, ఒక డాక్టర్ని, ఒక విద్యావంతుని చేర్చుకున్నాం మనం, చాలా అదృష్టవంతులం. డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి గారు కూడా మన మునుముందు అన్ని గ్రామాలకు అభివృద్ధి చేస్తాడని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటూ, మరి కాంగ్రెస్ అంటేనే ఇప్పుడు మిత్రులు చెప్పినట్టు కాంగ్రెస్ అంటేనే గ్యారంటీ, కాంగ్రెస్ అంటేనే పక్క, ప్రజాపాలన అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో దొరుకుతున్నది. మరి మతతత్వం అన్నా ఇంకొకటన్నా ఇంకోటన్నా వేరే పార్టీలో దొరుకుతుంది, ఇక్కడ మాత్రం ప్రజా. एड़पली तहसीलदार ऑफिस में 42 मुस्तहकिन में शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी चेकों की तकसीम, इस्तीफादा कुनिंगान ने लड़कियों की शादी में मदद कर CM रेवंत रेड्डी का किया इजहार तशक्कुर। एड़पली मंडल तहसीलदार दफ्तर में मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहकिन में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक से तकसीम किए गए। तहसीलदार डी नायक ने मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखने वाले 42 मुस्तहकिन में चेक से तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसी भी बच्ची की शादी के लिए जो मदद फराहम की जाती है वो सूदमंद साबित हुई। उन्होंने हुकूमत की तरफ से फराहम करदा फंड से फायदा हासिल करने के लिए कहा। इस प्रोग्राम में रेवेन्यू इंस्पेक्टर विनोद और मुख्तलिफ गांव के मुस्तहकीन मौजूद थे। मंडलंलो शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चक्कुल पंपणी कार्यक्रम मुंदाके जरिगिंदी। मन मंडलंलो मोत्तं 42 चक्कुलु वच्चायि, दांट्लो 36 शादी मुबारक,
ఆరు కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు 116 కడికి 42 మందికి పంపించడం జరిగింది। अख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुनूरकापु तबके की तरक्की के लिए अलाहिदा कॉरपोरेशन का कयाम, खुश आइन कदम, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। माह रमजान मुबारक, उख़वत, हमदर्दी, गमख्वारी का महीना, अल्लाह से लेने और बख्शिश का महीना माह सियाम। खवातीन हर मैदान में हौसला और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े, खवातीन की तरक्की ही असल तरक्की, यौम खवातीन के इजलास से शिरका। एटीएम तोड़कर 25 लाख की चोरी, एटीएम सरके की वारदात से जिले में सनसनी वो खौफ। तो ये थी खबरों की तफसील, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहे प्रवास टीम। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। तमामी परवास टीवी के नासरीन को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की जाती है। खुल रहा है बाबे रहमत, हर सो बरस रहा है करम, जगमगाती है दुनिया जैसे रोशन हो मिसले इरम, रब हो रहा खुद अपने बंदों से राशि, क्या खूब कमाल पर उसकी शान बेनियासी, मरहबा या माह रमजान मरहबा, बेजबानों को जब वो जुबान देता है हर साल पढ़ने को, फिर वो कुरान देता बख्शने पर आ जाए जब उम्मत के गुनाह, तोहफे में फिर वो रमजान देता। مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا हर साल की तरह इस साल माह रमजान मुबारक के खुसूस परवास टीवी की जानिब से तमाम तर नगमों और फिल्मों को बंद कर दो, माहे सियाम के खुसूसी प्रोग्राम्स हमारे चैनल पर नश्र किए जाएंगे। इस माहे सियाम में परवास टीवी पर पेश किया जाएगा फजाइल रमजान, आदाब रमजान, नातों के नजराने, परवास टीवी की खास पेशकश, पसंद आपकी नात हमारी, तफसीरे कुरान, हदीसे मुबारका, बच्चों के लिए दीनी प्रोग्राम्स के अलावा दुआओं का मजमू, अल्लाह के ननियाम पे इसमें। तो इस माह मुबारक जुड़े रहे परवास टीवी से और दीनी प्रोग्राम्स देखते रहे। इसके अलावा शरई वो रमजान के मसाइल खुसूसी प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ।